Hello, so this is the fourth chapter. So in this video we'll discuss about the difference between local server and live server. Two servers hote hain, ek apna local server, ek apna live server. So simple se ek difference samajh mein aa raha hai. Local matlab locally, yani ya to aapke PC mein rahegi wo cheez, live yani wo ek particular URL ya particular domain name pe aapki cheeze ho jayegi, jisse kya hota hai koi bhi usko access kar sakta hai. Simple sa matlab yahi hota hai ki local server ek aisi cheez hoti hai जो अपने आप मतलब खुद के मशीन में आप सर्वर क्रिएट करते हो, लाइक करते हो, यानी कैट द सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर जैसे हम दिखाते थे, वो सॉफ्टवेयर अपने होता है जैम्प हो गया, जैम्प हो गया. फिर अपना दूसरा हम बात करते हैं लैम्प, लैम्प भी सॉफ्टवेयर अपना आता है. तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है. लैम्प लैम्प सॉफ्टवेयर आता है जो गया ना वहाँ पे, ये लैम्प पैकेज का आ रहा है जो ये सॉफ्टवेयर आ रहा है मोस्टली अपने प्रॉपर्ली अपना जैम्प ही होता है. तो इस हिसाब से मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अपना एक लोकल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. मतलब अपना पीसी में रहेगा, उसका कोई भी URL नहीं रहेगा, उसको कोई भी थर्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाता. वो अपना लोकली पीसी में काम करने के लिए होता है. सर्वर क्या होता है, लाइव सर्वर में जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेबसाइट आपकी जो होगी वो एक्सेसिबल, ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाती है. सो दोनों के डिफेंस के बीच में अपने कुछ पॉइंट आता है. पहला पॉइंट जैसे लोकल सर्वर की बात करते हैं तो ये ऑफलाइन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है. ये केवल लोकल मशीन से ही एक्सेसिबल हो सकता है. इसके पास फास्टर रेस्पॉन्स टाइम होता है, मोर सिक्योर होता है. मतलब ये क्या होता है कि कोई भी इसको इंटरनेट पर एक्सेस नहीं कर पाता, तो आपके पीसी पे रहता है तो सिक्योर रहता है जब तक आप डेवलपमेंट करते हो किसी भी चीज़ का. फिर कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डाटा भी आप देते हो तो यहाँ पे एक कंट्रोल देता है, मतलब वहाँ पे लीक होने की, हैक होने के कोई चांस नहीं होता है. आसानी से उसको आप सेटअप कर सकते हो, लोकल पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. डिबगिंग टेस्टिंग विदाउट अफेक्टिंग, मतलब इसमें क्या होता है, लोकल पे जब आप काम करते हो, एक लाइव वेबसाइट पे आप काम करते हो तो लाइव वेबसाइट में क्या होता है, कोई भी चेंज में दिक्कत आ गई, आपने कुछ कोड कर दिया, कुछ कोड को कुछ मिस कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि वो अफेक्ट करता है आपकी वेबसाइट पे. लोकल में ऐसा नहीं होता, लोकल आप जस्ट उसको टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हो, दैट्स इट. लाइव सर्वर क्या होता है, लाइव सर्वर का इफ यहाँ पे फॉर होस्ट वेबसाइट और एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस विद एनी इंटरनेट कनेक्शन, विद एन इंटरनेट कनेक्शन. इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, उसके पास जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है. अब लाइव सर्वर इसमें क्या होता है, लोकल सर्वर में तो रेस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, बट लाइव में क्या होता है वो उसका डिपेंड करेगा होस्टिंग पे और उस इंटरनेट की कितनी स्पीड आ रही है, तो उस पर डिपेंड करता है. तो जब भी हम कभी भी कोड में चेंज करते हैं, फिर कुछ डेवलपमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे मेन बेनिफिशियल होता है कि हम उसको लोकल पे ही काम करें. फिर यहाँ पे सिक्योरिटी के भी इश्यू आ सकते हैं क्योंकि लाइव पे है, सेंसिटिव डाटा के भी इश्यू आ सकते हैं, डोमेन एजिटेशन, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो सिंपल से मतलब हम जो डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन यही आती है कि लोकल अपना आप लोकल पीसी पे काम कर रहे हो, अपने खुद के पीसी में काम कर रहे हो, कोई भी उसको एक्सेसिबल नहीं कर पाता. लाइव सर्वर में क्या होता है, लाइव सर्वर का मतलब होता है आपके पास एक डोमेन होगी, आपके पास एक होस्टिंग होगी, दोनों को कनेक्ट कर देते हो आप, अब तब उसमें आप काम करते हो, तो कोई भी जिसके पास इंटरनेट है वो उसको एक्सेस कर सकता है. सो वो लाइव सर्वर क्या होता है, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.